ये क्या भैया? ये शुगर फ्री। शुगर फ्री मोआ। शुगर फ्री। यहाँ पे ऊपर से खोए की गार्निशिंग की जा रही है। रसगुल्ला फेमस है, वर्ल्ड फेमस कोलकाता का रसगुल्ला। ऐसे ही जानेगढ़ का मोआ है वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस है जानेगढ़ का मोआ। तो गाइस अभी हम लोग हैं बंगाल में और यहाँ पे जयनगर में। तो यहाँ पर आइए और थोड़ा सा बताते हैं आपको, ये जयनगर में कौन सी दुकान का नाम क्या आपके? बाबा लोकनाथ मिष्ठान भंडार। ओके, और ये प्रॉपर जयनगर है? जयनगर। ओके, तो यहीं पे हम लोग आए हैं। यहाँ वर्ल्ड फेमस यहाँ की एक मिठाई है जयनगर की, बहुत ज्यादा फेमस है मोआ के नाम से। ये देखिए, चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाया जाता है और फिर उसका टेस्ट कैसा होता है। तो मैं हूँ आदित्य देवराजगढ़ और शुरू करते हैं आज का ये मोआ लड्डू का वीडियो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये नौलन गुड़ है जिसको गर्म आग पे, ये गर्म आग पे पिघला के और इसको उसके बाद इसी से हम लोगों का जो मोआ मिठाई है बनने वाला है। ये तैयार हो गया। ये लावा टाइप का चीज रहता है, इसको दिखाते हैं छोटे आप। गीला लावा। तो ये गए भी इलायची जा रहा है। तो अच्छे से इसमें गुड़ और इलायची वगैरह मिलाने के बाद, और ये देखिए जो प्रोसेस है अब इसको गोल करने का वो शुरू हो चुका है। और थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा और हल्का हल्का ऊपर से गुड़ देके और इसको बांधेंगे। देखिए हल्का हल्का सा मिक्स करके और इसको गोल गोल आकार दिया जाएगा। बेसिकली अगर ये बिहार में होता तो बिहार में इसको हम लोग लावा का लड्डू कहते हैं, यहाँ पे ये जाना जाता है मोआ के नाम से। सॉरी। तो ये देखिए एक एक करके अब इसको काफ़ी अच्छे से इसको गोल कर कर रखा जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से जब गोल किया जाता है, हल्का सा गीला हाथ होता है, हाथ में हल्का सा पानी लगा के इसको गोल करके और ये यहाँ पे रखा जा रहा है। ये देखिए रसगुल्ला फेमस है। तो इन जनरल आपने काफी बार देखा होगा काफी जगहों पे, मतलब ऊपर से काजू वगैरह लेकर चिपका के और इसको फिनिशिंग टच दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से खोए की गार्निशिंग की जा रही है। और क्योंकि इसमें पूरा अंदर में काजू वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह मिले हुए रहते हैं, तो ये एक शानदार फिनिशिंग होने वाली मेरे ख्याल से। देख के ही इसका जो पूरा प्रोसेस था वो देख के, और ये देखिए ये प्योर खोआ रहता है जिसको ये इस तरह चलनी में ऐसे रगड़ के और इसकी गार्निशिंग की जा रही है। तो काजू और अंतिम में हल्का हल्का पिस्ता ऊपर से डाल के और फाइनल टच इसको दिया जाता है। तो इलाच कार्डमम जो है, कार्डमम इलाच। ओके, वो भी डालता है, वो भी जाता है। ये देखिए कार्डमम इलायची। ओके, ऊपर से इलायची। इस तरह की मिठाई अगर बिहार में होती तो मैंने इसे नाम दिया होता लावा का मिठाई। बिहार में ये बोला जाता लावा का लड्डू, यहाँ पे मोआ के नाम से काफी फेमस है। तो जयनगर का लड्डू, पूरा दिन इसके बनाने का प्रोसेस इसी तरह चलते रहता है और यहाँ पे काफी अच्छी सेल है इस चीज की। अगर आप भी बंगाल से हैं या फिर किसी भी जगह से हैं, अगर आपने ये मिठाई खाई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा था। चलिए हम भी इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक लड्डू दिए आइए। तो बिल्कुल ताजा लड्डू हम लोगों के हाथों में आ चुका है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। ये देखिए अंदर की जो स्टफिंग तो नहीं है, ये पूरा नॉलिन गुड़ से बनता है ना, खा के देखते हैं। तो इसका स्वाद बिल्कुल अलग है लेकिन बहुत लाजवाब है। जब से मैं बंगाल आया हूँ मैंने पहली बार इतनी लाजवाब मिठाई खाई है। तो इस मिठाई को और वीडियो दोनों करेंगे खत्म। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खाते रहिए, खिलाते रहिए, देखते रहिए साथ पटना। ये हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी है। अच्छा, जहाँ पर भी चाहेगा हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा नंबर है 9046998211। ओके, एक बार ये देख लीजिए, मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये क्या भैया? ये दे शुगर फ्री। शुगर फ्री मोआ। शुगर फ्री। अरे पहली बार है। पहली बार हम बनाया। आप बनाया? और इसके अलावा आपके अलावा और कहीं नहीं मिलता? और कोई नहीं मिलता। वाह, तो पहली बार मेरे शॉप में ये मिला है, शुगर फ्री मोआ और शुगर फ्री नॉलेज गुड़। ओके, शुगर फ्री नॉलेज गुड़, नो एडेड शुगर है। अच्छा, बिल्कुल शुगर एडेड नहीं है। एकदम शुगर नहीं। अरे वाह, ये देखिए नेचुरल है एकदम। ये देखिए ये शुगर फ्री मोआ। वाह।